दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ GIF यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के बारे में। और ये जो बेसिकली है दोस्तों, एक इमेज होता है उसका एक तरीके का फॉर्मेट ही होता है, जैसे कि JPEG होता है, PNG होता है। तो हर फॉर्मेट का एक अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। JPEG है जो आपकी इमेज को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्रेस करके आप उसको उस फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हो इमेज को। PNG है तो इसमें क्या होता है कि आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ अगर कोई इमेज सेव करना चाहते हो तो आप PNG का यूज़ करते हो। और ये जो GIF है जो कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट के हैं, और ये जो है इसमें क्या होता है कि ये सिंपल सा एक वीडियो जो होता है, जैसे कि आप कोई वीडियोज़ आप देखते हो उसका एक बिना किसी वॉइस के यानी कि बिना किसी आवाज़ के एक एनिमेटेड फॉर्म होता है। सिंपल सा छोटा सा एक कुछ मिनट या कुछ सेकंड का एक वीडियोस कह सकते हो होता है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो इमेज के अंदर वो मूव करते रहेगा। ठीक है, तो एक एनिमेटेड एक इमेज होता है जो कि गिफ होता है, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही छोटा या एक मिनट के अंदर का या फिर कुछ सेकंड्स का होगा। तो ये सारे जो चीज़ होते हैं, तो भाई हम बात करते हैं पहले कि यह गिफ आया कहाँ से। 15 जून 1987 को एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम स्टीव विलहाइट है, इनकी लीडरशिप में एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जिसका नाम कंपोसर्व है, वहाँ के एक टीम द्वारा इस GIF फॉर्मेट को डेवलप किया गया था। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हम अपने किसी भी इमेज को GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएँ तो ये सारी चीज़ आप फोटोशॉप से कर सकते हो ईजिली। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि आप कैसे फोटोशॉप का यूज़ करके ईजिली किसी भी इमेज को या फिर किसी टेक्स्ट को ईजिली आप एनिमेशन फॉर्म में यानी कि GIF फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फोटोशॉप का यूज़ करके इजीली एक GIF इमेज क्रिएट कर सकते हैं उसके थ्रू। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये GIF इमेज है और इसमें फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम कम है, इसलिए आप देख रहे हैं कितना स्मूथ नहीं है। बट लेकिन आप इस इमेज को देखेंगे, ये भी एक GIF इमेज ही है बट लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ फ्रेम है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी जो इमेज मूवमेंट जो है ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा स्मूथ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी मैंने यहाँ पे इतने सारे 25 फ्रेम लगभग क्रिएट कर रखे हैं। और आप जो भी आप वीडियोस आप देखते हो, जैसा कि आप ये वीडियोस आप यूट्यूब पे आप देख रहे हो, ये भी 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ बहुत स्मूथ दिखता है। तो जितना ज़्यादा फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्मूथली आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वीडियो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो GIF इमेज सिंपली बनाने का बहुत ईजी प्रोसेस है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सिंपल सा आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है, आप जिस भी फाइल साइज़ में आप उसको बनाना चाहते हो, हालांकि मैंने 1000x1000 में बना रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो आप कुछ इस तरीके से ये ब्लैंक फाइल मतलब ब्लैंक पेज है ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, एक गूगल फ़ोटो का लोगो ही। ठीक है, ये गूगल फ़ोटो का लोगो है तो मैं इसको एक यूज़ करूँगा GIF फाइल के इमेज को क्रिएट करने में। और यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट के फॉर्मेट में, और सिंपली जस्ट मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ फटाफट से। और ये जो दोस्तों है, इजिली आप इस तरीके से बहुत सारे अपने हिसाब से अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डुप्लीकेट इसका लेयर बनाना पड़ेगा ताकि ये जो एनिमेट हो, तो उन लेयर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम के अंदर। तो उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ्रेम ओपन कर लिया है। अब वापस से विंडो में जाना है आपको, टाइमलाइन के यहाँ ऑप्शन है, टाइमलाइन पे जहाँ आप क्लिक करोगे तो नीचे कुछ इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करो तो एक लेयर फॉर्म में है। तो इसको जस्ट यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये लेयर से एक फ्रेम के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक सिंगल फ्रेम है। उस फ्रेम में आपको जो जो इमेज को शो करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट साइड में जो लेयर का ऑप्शन है उस लेयर को आपको विजुअल करना है। यहाँ से क्लिक करके आप न्यू फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। न्यू फ्रेम में आपको कोई नेक्स्ट वाला टेक्स्ट का लेयर जो शो करना है तो उस लेयर को ही विजुअल करना है, बाकी लेयर को आपको हाइड कर देना है। तो आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जिस भी लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ उस लेयर में थोड़ा सा अगर चेंजेस करना है तो कुछ इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, ताकि अगर फर्स्ट फ्रेम से सेकेंड फ्रेम में जाए तो वो कुछ एनिमेट होते हुए आपको दिखे। तो कुछ इसी तरीके से अब मैं फटाफट से जो भी है, मैं बहुत सारा लेयर और ताकि कलरफुल लगे इसके लिए मैं फटाफट से लेयर वाइज इसको फ्रेम तैयार कर लेता हूँ। ताकि सिंपली क्या होता है दोस्तों, जो इमेज होता है वो बहुत सारे इमेज को कलेक्शन जो होते हैं उसको फ्रेम
उसी फ्रेम को इकट्ठा होके ही, अगर कम फ्रेम है तो वो एज अ गिफ फॉर्म में दिखेगा, अगर बहुत ज़्यादा फ्रेम है, एक सेकेंड में आपको 30 फ्रेम या 60 फ्रेम अगर मूव होता है तो आपको स्मूथ इमेज मिलता है जो कि वीडियो फॉर्मेट का एक होता है। बट लेकिन ये जो गिफ फॉर्मेट है बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा फ्रेम नहीं होते हैं, फ्रेम कम होते इसलिए काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका टाइम भी सेट कर सकते हो कि कौन सा फ्रेम कितने टाइम के बाद ये एनिमेट हो, कितना टाइम लगे इस नेक्स्ट फ्रेम को जाने में। तो आप देख सकते हो मैंने 0.2 सेकंड का ले चुका हूँ सबके लिए, तो आप देख सकते हो जब मैं इसको प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि ताकि वो भी ऊपर का भी घूम रहा है और एक नीचे का कलर भी चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैं छोटा सा एक एनिमेशन एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लेयर के फॉर्म में किसी भी टेक्स्ट का अगर आपको लेयर बनाना हो या फिर किसी भी इमेज का, तो कुछ इस तरीके से आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो गिफ इमेज अपने फोटोशॉप का यूज़ करके। अगर इसको एक्सपोर्ट करना, सिंपल सा फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट पर जाना है, सेव फॉर वेब पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे गिफ का ऑप्शन है, हालांकि मेरे में पहले से सेट है क्योंकि मैंने बना रखा था पहले गिफ, तो गिफ में सेलेक्ट करना है, ऊपर आपको गिफ 128 वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें कोई और चेंजेस नहीं करने हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल सा सेव पे क्लिक करो, इसका जो भी फाइल का नेम है वो फाइल का नेम डाल दो, और फाइल का नेम डालने के बाद जस्ट आपको सेव पे क्लिक कर देना है। और ये जो फाइल है आपका गिफ फाइल ये सेव हो चुका है। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा, मैंने इसे जब ओपन किया तो गिफ फाइल जो है मेरे वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये ओपन हो गया। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये ऊपर का जो लोगो मूव कर रहा है तो नीचे का टेक्स्ट भी रंग कलर चेंज हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दिया कि कैसे आप एक इमेज बना सकते हो, गिफ इमेज बना सकते हो अपने फोटोशॉप का यूज़ करके इजीली। और ज़्यादातर ये जो गिफ इमेज है वो मोशन, मतलब एड्स के जो बैनर एड बनाते हैं उनमें लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, या कि बाय नाउ पे एक इसी तरीके का एनिमेशन गिफ लगा देंगे ताकि लोगों का नज़र उस पर पड़े, ठीक है। कुछ ऐसे हाईलाइटेड एरिए में गिफ इमेज यूज़ करते हैं, मतलब ताकि लोगों का वो नज़र पड़े, क्योंकि वो हर एक टाइम पे मतलब चेंज होते रहेगा, कभी लाल पीला या फिर कोई और कलर का जो भी टेक्स्ट है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा लेट्स गेट स्टार्टेड बार बार चेंज हो रहा था, तो आपका उसका फोकस उस पर बढ़ेगा कि भाई लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड चीज़ किया गया है कि ताकि आपका नज़र उस पर पड़े। तो ये जो एनिमेशन जो है, मतलब गिफ है, वो एक तरीके से एनिमेट करता है आपके जो इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्रेम है बहुत कम होते हैं। जितने मतलब जितने तरीके में एनिमेट करेगा और उतने सारा देख सकते हैं, यहाँ पे केवल मेरा 5 फ्रेम है, केवल उसी के अंदर मैंने पूरा इसको डिज़ाइन कर दिया है। और ये वीडियोज आपने देख ही लिया कि कैसे किस तरीके से मूव करता रहता है। तो यही छोटा सा प्रोसेस है, आप इजीली अपने फोटोशॉप का यूज़ करके आप गिफ इमेज क्रिएट कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो बहुत सारे मोबाइल फॉर्मेट है जो कि गिफ इमेज को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट लेकिन अगर व्हाट्सएप पे शेयर करोगे तो डेफिनेटली गिफ इमेज सपोर्ट करता है वहाँ पे, तो वहाँ भी शेयर कर सकते हो। तो मतलब जहाँ मन चाहे इजीली आप फोटोशॉप को यूज़ करके गिफ फाइल क्रिएट कर सकते हो और उसे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।